कुछ स्पेशल सा शाही सा खाने का यदि मन हो रहा है, याद कर रहे हैं यदि आप रेस्टोरेंट वाली ग्रेवी, तो ज़रूर ट्राई कीजिए मखाना काजू करी। बहुत ही इजी वे में आज हम इसे बनाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, कढ़ाई को प्लेस कर दिया है। इसमें बस हम यूँ एक चम्मच, छोटी एक चम्मच भर के हमें इसमें तेल डाल लेना है। और ये देखिए, इस तरह से हमने काजू और मखानों को एक साइड निकाल लिया है। काजू को आप ना इस तरह से कट कर लीजिए हाफ हाफ पीसेस में। अब हल्की सी तेल में जब गर्माहट लगे ना, तो पहले इन काजू को डाल देते हैं। और काजू को हमें इस तरह से रोस्ट कर लेना है। तेल की मात्रा ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना क्या होगा कि काजू हमारे जो हैं वो जल जाएंगे। हल्के हल्के से ही बस हमें इन्हें रोस्ट करना है। अब जब हमें ऐसा लगे कि इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। और अब आप इसमें मखानों को डाल दीजिए। एक्स्ट्रा से हमें इसमें तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का सा हमें मसाला मखानों को भी रोस्ट कर लेना है। और जब मखाने अच्छी तरह से भून जाते हैं, तो एकदम बढ़िया सा क्रंच इसमें आ जाता है। तो ज़्यादा हमें इसे ओवर नहीं भुनना होता है। तो लीजिए, एक मिनट हो चुके हैं, अब हम इन मखानों को भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने एक चम्मच तेल ऐड कर दिया है। फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखिए। अब क्या करेंगे हम, ये जो सारे मसाले हैं, तो ये देखिएगा कि प्याज जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये दो बड़े प्याज हैं जिसे कि हम इस तरह से भून लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, दो टमाटर और कुछ काजू। इन सभी चीज़ों को भी हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये है कुछ खड़े मसाले, जिसमें कि है दालचीनी, लौंग और एक छोटी इलायची, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। और अब क्या करना है हमें, इन सभी मसालों को कवर कर लेना है। अब इसमें आप थोड़ा सा यहाँ पर ना नमक ऐड कर दीजिए। और नमक ऐड करने के बाद इसे एक बार इस तरह से चला लीजिए। और बस दोबारा से हम इसे कवर कर लेंगे। तो ये देखिए, लगभग 3 मिनट में हमारे मसाले कुछ इस तरह से पक जाएंगे। अब क्या करना है, गैस की फ्लेम को बंद कर दे। थोड़ा सा इन मसालों को, यानी कि ये जो सब प्याज टमाटर है, इन्हें आप थोड़ा ठंडा होने तक का वेट कीजिए। मिक्सी जार में अच्छी तरह से पीस लीजिए। तो ये देखिए, मिक्सी जार में मैंने इन मसालों को डाल दिया है। अब मैं इसका एकदम बढ़िया सा फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। अब कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल आपको यहाँ पे इतना इस्तेमाल करना है कि ग्रेवी जो है हमारी अच्छी तरह से भुन सके। तो लगभग 7 से 8 चम्मच यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अब तेल में हमें सबसे पहले डालना है जीरा। यदि शाही जीरा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अब जो मसाला हमने पीसा है वो डाल देते हैं। अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करें, लेकिन ध्यान रहे हल्के हाथों से मिक्स करना है और फ्लेम को मीडियम कर देना है। इस तरह से मसाले को जस्ट अंदर की ओर लेके जाए यूं। तो जब इस तरह से आप मसाले को अंदर लेके जाते हैं, तो आप खुद देख पाएंगे कि ये देखिए, जो ऑयल है वो कहीं नहीं गया है, हटा नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अब क्या करना है, बाकी मसाले हम इसमें डालेंगे। तो एक चम्मच मैं यहाँ पर डालूंगी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। पहले हम इन 3 चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि लाल मिर्च जो है वो आप थोड़ी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लीजिए। बस नॉर्मली इसी तरह से आपको पहले मिक्स कर लेना है। अब आप इस मसाले को कवर कर दीजिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए, ग्रेवी हमारी पक रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि शाही ग्रेवी में कश्मीरी लाल मिर्च डालना कंपलसरी होता है। तो चलिए, इसे हल्के हाथों से दोबारा से हम मिक्स करते हैं। हमने इसे पहले ऐड नहीं किया है, वैसे भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है।
तो इसके अच्छे रिजल्ट के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए इसे कुछ समय बाद ही आप इसे ऐड कीजिए। तब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। दोबारा से ग्रेवी को कवर करें। तो अब देखिए ग्रेवी को पकते हुए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी स्टार्टिंग में ना डालें, वरना होता यही कि इसमें थोड़ा सा जला सा फ्लेवर आता है, तो इसे बाद में ही हमें ग्रेवी में डालना होता है। तो चलिए इसे भी हम पहले अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारे जो मसाले हैं वो पहले भी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, तो वो पकने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी थोड़ा ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। नमक डाल देंगे क्योंकि पहले थोड़ा नमक हम डाल चुके हैं, उस अनुसार हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। और मखाने और काजू, इन दोनों चीज़ों को भी हम इस ग्रेवी में डाल देते हैं। अब क्या करना है हमें कि इन सभी चीज़ों को पहले ना आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, वरना बाद में क्या होगा कि जो मसाले पक जाएंगे उसके बाद यदि हम ये सारी चीज़ें डालेंगे तो टेस्ट उतना अच्छी तरह से निकल कर नहीं आता है। इन सभी को आप अच्छी तरह से यूँ मिक्स कर लीजिए। हाँ, अभी तक हमने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है, तो वो हम बाद में ऐड करेंगे। पहले बारी है इन चीज़ों के पकने की। तो इस तरह से इसे थोड़ा डिप कीजिएगा। पानी की मात्रा ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से रखी है, और अब हम इसे कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी में एकदम बढ़िया सा उबाल आ चुका है, और महक के साथ आप अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि जो ग्रेवी है हमारी एकदम बढ़िया तरीके से पक चुकी है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, और घर की जो फ्रेश वाली मलाई होती है ये देखिए। तो इस तरह से अब इस मलाई को भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ध्यान रहे कि आपको फ्रेश मलाई का ही इस्तेमाल करना है। थोड़ी मलाई मैं यहाँ पे बचा लूँगी ताकि मैं इसे डेकोरेट करते समय यूज़ करूँ। और अब इसे मिक्स कर देते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया सी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। लग रहा है ना बिल्कुल शाही वाला टेक्सचर, सेम उस तरह का जिस तरह का आपने कभी रेस्टोरेंट में खाया होगा, और टेस्ट भी आई एम श्योर बिल्कुल उसी तरह का है। तो इन सारी चीज़ों के साथ इसे लगभग 30 से 40 सेकंड ही शायद इसे पकने में लगेंगे। तो अब सारी चीज़ें हमारी इसमें डलकर कंप्लीट हो चुकी है। हल्का सा बस इसे अब कवर कर लेना है कुछ ही समय के लिए। तो अब हम इसे कवर करेंगे सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तो लीजिए एकदम बढ़िया सी हमारी शाही मखाना काजू करी बनके तैयार है। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।